my dear students, good afternoon. Today I will teach you first part of the expansion of British power. बच्चों आज हम आप लोगों को चैप्टर टू द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर का पहला पार्ट पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में यानी पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा मॉडर्न पीरियड के बारे में। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि मॉडर्न पीरियड कब से प्रारंभ हुआ, यानी ब्रिटिश साम्राज्य से औरंगजेब के मृत्यु के बाद 1707 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य प्रारंभ हुआ और जो ब्रिटिश साम्राज्य रहा वही हमारा मॉडर्न एज के अंदर मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों आज हम इसी चीज का ही ब्रिटिश पावर के बारे में ही बताएंगे। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर यानी इसका मतलब ब्रिटिश पावर यानी अंग्रेज शक्ति का प्रचार प्रसार एक्सपेंशन कैसे हुआ। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन 1600 इन इंग्लैंड टू ट्रेड विथ ईस्ट। पहले हम ये जानेंगे कि भारत मेरा जो देश है वह बहुत धनी माना जाता था और समय समय पे लोग यहाँ पे इंडिविजुअल तरीके से आते थे और व्यापार करते थे। और व्यापार करने यानी उस समय जो यूरोपीय देशों से या अदर कंट्रीज से लोग आते थे व्यापार करने के लिए, उनको अपनी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, वो केवल अकेले आते थे व्यापार करके जाते थे। और इस प्रकार से जो है कुछ समय के बाद क्या हुआ कि कुछ यूरोपीय कंट्रीज के लोगों ने भारत में व्यापार करने के बारे में सोचा, क्योंकि यूरोपीय देशों में यह बहुत ज़्यादा प्रचार था कि भारत बहुत धनी देश है और ईस्ट एशिया से व्यापार करना बहुत यूजफुल होगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई इंग्लैंड में। किस सन में की गई? 1600 एडी में की गई। और उस समय वहां की जो रानी थी क्वीन थी वह क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी और उनसे अनुमति लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। अब इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था कि वह पूर्व से पूर्वी एशिया से वो लोग व्यापार करना चाहते थे और इसी चीज को ध्यान में रख करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए। अब ये जानेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई 17th century में, तो उस समय भारत में और कौन कौन से यूरोपीय कंट्रीज के लोग व्यापार करने के लिए आए हुए थे। इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, इनके बारे में जान लीजिए आप लोग। पहले ब्रिटिश है, फ्रेंच है, पुर्तगाल, डेनमार्क और हॉलैंड यानी डच लोग जो थे, यानी इन देशों के इन लोगों ने भारत में अपनी कंपनी को लेकर के आए और यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये लोग व्यापार करने लगे तो जहाँ पे व्यापार करते थे वहाँ फैक्ट्रीज लगा दिया करते थे और फैक्ट्रीज में ही उनका गोदाम होता था और वहीं पे उनका ऑफिशियल भी ऑफिस भी होता था, वहीं रहते थे और वहीं पे जो अपना प्रोडक्शन करते थे उस सामान का गोदाम भी बना लिए थे। अब इस तरह से इन देशों ने जो है यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित किया, यहाँ कंपनी स्थापित की। और इसके बाद ये हुआ कि बाद में क्या हुआ कि कौन कौन से राइवलरी, देखो ट्रेड राइवलरी एमंग द यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोपीय देश के लोग आए हुए थे यहाँ व्यापार करने के लिए उनके मध्य में कैसे एक तरह से प्रतियोगिता लगी हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए इसको जानने के पहले कि यहाँ किन किन चीजों का व्यापार होता था। यहाँ पे स्पाइसेज, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, यूटीसी का व्यापार किया जाता था भारत में। और यहाँ पे जब ये इतने देश के लोग अपनी कंपनीज को स्थापित किए थे किसमें होड़ लगी हुई थी, एक तरह से प्रतिद्वंदिता थी। तो क्या हुआ कि जो है ये लोग जो बाकी थी यानी जो पुर्तगाल के लोग थे और जो डेनमार्क की कंपनी थी और हॉलैंड की जो कंपनी थी, यह कुछ समय बीतने के बाद अपना अस्तित्व यहाँ से खो दी, उसका पावर खत्म हो गया। बाद में दो कंपनियां
शेष बचे उसमें एक ब्रिटिश कंपनी थी और दूसरी फ्रेंच कंपनी थी। अब इन दोनों के मध्य में जो है एक तरह से राइवलरी हुई और यहाँ पे देखो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कार्नेटिक वार्स 20 इयर्स हेडिंग में डाल दिए हैं बाबू। समझ लेना कि जैसे जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में जो एक तरह से राइवल हुआ वह एक युद्ध का रूप धारण किया और यह युद्ध कहाँ पे हुआ, कार्नेटिक वार्स के नाम से जाना जाता है यानी कर्नाटक में, और यह युद्ध लगभग 20 इयर्स तक चला यानी प्रथम द्वितीय तृतीय करके। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस वार के बाद जो फ्रेंच कंपनी थी वह पूरी तरह से जो है आउट हो गई यानी वह खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब शेष केवल ब्रिटिश कंपनी बची भारत में तो इसने अपने साम्राज्य यानी अपने कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की। अब इसमें क्या क्या किया उसने, सबसे पहले इसने जो है जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उस समय जो मुगल साम्राज्य था वह कमजोर पड़ने लगा और कमजोर पड़ने के बाद जो है इसने अंग्रेजों ने क्या किया उस समय भारत में जो कोलकाता यानी बंगाल जो था वह बहुत रिच माना जाता था तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमको ये स्थान चाहिए, हम यहाँ अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। तो वहाँ पे उनको अनुमति मिल गई, लेकिन अनुमति मिलने के बाद उन्होंने क्या किया और वहाँ के कुछ शासक थे जिन्होंने जो मुगल शासक थे जिन्होंने उनको नवाब थे जिन्होंने यह अनुमति दे दी कि आप लोग यहाँ व्यापार करिए विदाउट ड्यूटी यानी विदाउट टैक्स यानी बिना कोई टैक्स दिए हुए, और इस प्रकार से वो लोग अपना व्यापार करने लगे। बाद में क्या हुआ कि उसी कंपनी के कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल लोग थे वो लोग भी व्यापार करना शुरू कर दिए और वो लोग कोई टैक्स नहीं देते थे। अब इसका क्या परिणाम हुआ कि जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके विरोध में लोग खड़े हो गए, वहाँ का जब नवाब था विरोध में खड़ा हुआ और विरोध में खड़ा होने के लिए उसकी निगरानी करने के लिए जो है वहाँ पे एक तरह से चेकिंग स्थापित कर दी कि इनकी निगरानी करें कि कैसे ये लोग व्यापार करते हैं इंडिविजुअल तरीके से प्राइवेट तरीके से और कैसे ये लोग जो है बिना टैक्स दिए हुए। अब इसके बाद क्या हुआ दोनों में मतभेद पैदा हो गया और मतभेद पैदा होने के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ। अब बाबू इतना आज केवल तुम लोगों को इंट्रोडक्शन के आधार पे बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ। जो प्लासी का युद्ध था वह 23 जून 1757 में लड़ा गया किसके मध्य में, सिराजुद्दीन जो है सिराजुद्दौला के मध्य में और जो है रॉबर्ट क्लाइव यानी उस समय जो है सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जौफर जो थे वहाँ के नवाब के तौर पे थे और रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह जो है वहाँ का वो था ब्रिटिश का कमांडर था ब्रिटिश की तरफ थे, और इस प्रकार से उस समय जो मीर जाफर था पूरी तरह से सहयोग नहीं दिया और इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हुई और जो ब्रिटिश थे वह विजयी हुए, और इस प्रकार से यह प्लासी का प्रथम युद्ध रहा 1757 में। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग इसको नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा इससे पार्ट में नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो आप लोगों का मॉडर्न पीरियड है वह अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है जो स्थापना हुई थी वह 1600 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी इंग्लैंड में, और किसकी अनुमति से हुई थी उस समय क्वीन एलिजाबेथ वहाँ की प्रथम जो है जो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी उन्हीं के आदेश पर उन्हीं से अनुमति लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में हुई, और इसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट से व्यापारिक संबंध बढ़ाना। और इसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई जो है 17th century में तो उस समय और कई देशों के लोग यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित किए, वो लोग कौन कौन थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, पुर्तगाल, डेनमार्क और हॉलैंड के लोगों ने यहाँ पे आकर के अपनी कंपनी स्थापित किए थे। अब बाद में क्या होता है कि इसका व्यापार किन किन चीज़ों का ये लोग करते थे, स्पाइसेस मसालों का करते थे, कॉटन का करते थे,
करते थे सिल्क इंडिगो ईटीसी का। कहने का मतलब ये लोग यहाँ से ये सामान सस्ते दाम पर खरीदते थे और अपने देश भेज देते थे, वहां पे बड़े यानी ज्यादा मूल्य पर उसको बेचते थे। अब इसके बाद क्या होता है कि इतनी सारी कंपनी से यूरोपियन कंट्रीज की थी वह बाद में कमजोर पड़ने लगी और इसके बाद केवल मात्र दो जो है देशों की कंपनीज रह गई, वह थी एंग्लो और फ्रेंच, यानी जो ब्रिटिश थे और फ्रांसीसी यानी फ्रेंच जो थे। इसके लिए क्या हुआ कि कार्नेटिक वार्स हुआ, लगभग 20 वर्षों तक चला और जिसमें जो है ब्रिटिश की विजय हुई और इसमें जो फ्रेंच थे वह पराजित हुए और इसके बाद पूरी तरह से जो अंग्रेज थे उनका शासन यहाँ प्रभुत्व स्थापित हो गया और यहाँ पे हावी हो गए और इस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने बंगाल को चुना, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत रिच माना जाता था और वहाँ पे अनुमति लेकर के इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, ये अपनी कंपनी स्थापित की और इस कंपनी स्थापित करने के बाद इन लोगों ने यह अनुमति ली कि बिना टैक्स दिए हुए ये व्यापार करने लगे और उसी में उनको धोखा दे करके वहाँ के नवाब को धोखा दे करके ये लोग जो है प्राइवेट तरीके से भी व्यापार करते थे विदाउट गिविंग टैक्स यानी बिना टैक्स दिए हुए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो है प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में और किसके मध्य में हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और जो ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव था वह विजयी हुआ। बच्चों बस आज इतना ही बताएंगे आप लोगों को और इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के कल उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।